हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इजी बर्फ़ी की रेसिपी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम कोई भी कप या कटोरी सेट कर लेंगे और सभी चीज़ें उसी से मेज़र करेंगे। मैंने यहाँ पर एक कटोरी सेट की है और सभी चीज़ों को उसी से मेज़र किया है। सबसे पहले हम आधी कटोरी काजू लेंगे। ये काजू 50 ग्राम है। इसका हमें पाउडर तैयार करना है। पाउडर बनाते समय हमें मिक्सी को एक साथ नहीं चलाना है, 2 से 3 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर रोकेंगे, फिर से 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे। इसी प्रकार से हमें काजू का पाउडर तैयार करना है। काजू का पाउडर हमने बनाकर तैयार कर लिया है। काजू की जगह आप 50 ग्राम मूंगफली को भूनकर उसके छिलके को अलग कर दें और सेम इसी प्रकार से उसका पाउडर बनाकर उसे भी इसमें डाल सकते हैं। अब हमने थोड़े से केसर के धागे लिए हैं, इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे अलग रख देंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप केसर एसेंस या इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम गैस ऑन करके पैन में 2 कटोरी नारियल का पाउडर डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लेंगे। हमें इसे बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो 2 मिनट बाद अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कटोरी दूध। हमें सभी चीज़ों को सेम साइज़ की कटोरी या कप से ही मेज़र करना है। साथ में डालेंगे केसर वाला दूध। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी चीनी और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये घुल नहीं जाती। चीनी के घुलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे काजू का पाउडर और इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। काजू के पाउडर को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नारियल का पाउडर और इसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे नारियल के पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे। दो से तीन मिनट बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें घी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है और अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक और चला लेंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और बर्फी का मिश्रण बनकर तैयार है। तो अब हम इसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 2 भाग को अब हम अलग निकाल लेंगे। अब हम 1 भाग में 2 बूंद ऑरेंज कलर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कलर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे 1 कटोरी में निकाल लेंगे। अब हमने बर्फी का जो मिश्रण निकाला था उसमें से 1 पार्ट लेंगे और इसमें 2 बूंद ग्रीन कलर डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो बर्फी का मिश्रण तैयार है, तो अब हम इसे सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक केक टिन लिया है। आप चाहे तो इसे थाली या प्लेट में भी सेट कर सकते हैं। टिन को घी से ग्रीस करेंगे, सेम साइज का बटर पेपर लगाएंगे और इसे भी घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हम कोई भी एक मिश्रण लेंगे और इसे अच्छे से सेट कर देंगे। इसके ऊपर अब हम दूसरा मिश्रण डालेंगे और उसे भी सेट कर देंगे। अब हम इसमें तीसरा वाला मिश्रण डालेंगे और इसे भी अच्छे से सेट कर देंगे।
तीनों मिश्रण को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम स्पेचुला की सहायता से इसके कॉर्नर्स को अलग कर देंगे क्योंकि हमें इसे तुरंत बाहर निकालना है। अब हम इसे तुरंत निकाल लेंगे, बटर पेपर को भी निकाल देंगे। अब हम इस पे दरदरा पिसा हुआ पिस्ता डालेंगे। अगर आप चाहें तो काजू या बादाम को काटकर भी इसे डाल सकते हैं। अब हम इसे केवल 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे, फिर हम इसे काटेंगे। आप चाहें तो इसे तुरंत भी काट सकते हैं। 10 मिनट बाद इसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, तो अब हम इसे काटेंगे। तो आप इसे अपने हिसाब से किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बर्फी बनकर तैयार है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।